जनविश्वास जो 17 माह में तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखाया, वो जनता जन जन तक यह बात पहुंचा। सब लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर दल पिछड़ा जब जग जाएगा कि केंद्र को जो चूस रही है सरकार उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो विश्वास तो आप देखिए रहे हैं, शाम हो गया, कितने लोग थे अभी और नए जुआ चेहरा हैं। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, 17 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने जन विश्वास यात्रा के दौरान गोपालगंज पहुंचे हैं और 3 मार्च को पटना में जो उनके पार्टी का रैली होने वाला है वो अपने गोपालगंज पैतृक जिले के लोगों को आग्रह किया है कि उसमें शामिल हों। ऐसे इनके हर जिले में जाना और जन यात्रा करना कितना प्रभावी होता है, यहाँ बहुत से लोग उनके भाषण सुनने आए हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जोगेश कुमार गुप्ता हुआ। अच्छा, पाइदेवरी प्रखंड से चल करके हम लोग सब लोग आए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो तेजस्वी यादव ये जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं इससे का क्या बेनिफिट है? जन विश्वास जो 17 माह में तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखाया, वो जनता जन जन तक यह बात पहुंचा कि अगर इस बिहार का कला कायाकल्प होने वाला है तो युवा नेतृत्व के हाथों में, और इस बिहार को एक नया दिशा देने का अगर क्षमता कोई रखता है तो माननीय तेजस्वी यादव रखते हैं। अच्छा, इनके अलावा और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुशील यादव। अच्छा, ये पहले बताइए तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा का क्या बेनिफिट है? हम यही कहना चाहते हैं कि वो सारे लोगों में घूम करके अपना पहुंच बना रहे हैं कि देखिए, युवा लोगों को नौकरी देना, युवा लोगों को आगे बढ़ाना, यही हमारा काम है, उद्देश्य यही है, आप पिछड़ों को आगे लाना, यही हमारा काम है। इनके अलावा और लोग भी हैं जी, क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ? हमारा आस नारायण यादव नाम है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो जन विश्वास यात्रा हो रहा है, क्या इसका लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरे देश में पिछड़ा दलित का कोई नेता है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी, इससे इनको बहुत ज़्यादा आने वाला लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हर दल पिछड़ा जब जग जाएगा कि केंद्र को जो चूस रही है सरकार उसको ध्वस्त करने का काम करेंगे। आपका नाम बताइए? पारसनाथ यादव, पंदेवरी प्रखंड जनता। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए पारस जी, ये जो तेजस्वी यादव जो अपना जन विश्वास यात्रा लेके चल रहे हैं, क्या यहाँ प्रभाव पड़ेगा बिहार में? देखिए, जो उन्होंने 17 महीने में काम किया है, उस विश्वास को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि मैंने काम किया है, मुझ पर विश्वास लोगों को है कि नहीं है, तो विश्वास तो आप देखिए रहे हैं, शाम हो गया, कितने लोग थे अभी और नए जुआ चेहरा हैं। 17 महीने में जो उन्होंने काम किया, 17 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, लोगों का भरोसा है, इसलिए विश्वास लेने आ रहे हैं। एमपी में हो सकते हैं कि एमपी के चुनाव में यहाँ लगभग 30-35 सीट मिले उनको, IMLA में 25 में तो पूछता ही नहीं है, 200 से पार जाएगा इस बार MLA का सीट तेजस्वी यादव का। एमपी में क्या होगा 2024 के चुनाव में? लगभग 35 सीट मिलेगा इस बार, 40 में बिहार में, पूरे बिहार में। तो राम लहर का क्या होगा? देखिए, राम लहर, हम एक कबीर साहब ने एक बात कहा कि न काशी में है न मदीने में है, दीने इलाही हर शख्स के सीने में है। उससे राम अयोध्या से कोई माने नहीं ना है, हॉस्पिटल नहीं ना राम का राज, रामराज तो हम लोग ने जाना है कि शंभुक जी का वध हुआ रामराज में, आप जानते ही होंगे, वहीं रामराज तो आ रहा है, केवल दिखाने के लिए कि रामराज, रामराज को कोई गाली थोड़ी दे रहा है राम जी को, लेकिन एक पाखंड का थैला बना दिया गया, चारों ओर छींटा जा रहा है कि हमने रामराज लाया, राम को मोदी। आपका क्या नाम हुआ? जोगेश कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी बताइए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो जन विश्वास यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या प्रभाव है इसका? 100% प्रभाव है। जन कहा गया है कि नौजवानों के ही बल पर यह आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इस बिहार का नौजवान दहाड़ चुका है और दहाड़ लगा कर चल चुका है। इस गोपालगंज का लाल पूरे हिंदुस्तान में एक लालू प्रसाद ऐसे हैं, व्यक्तित्व का बेटा तेजस्वी यादव है, जो CED और CBI से नहीं डरता है सर,
और ईडी या सीबीआई से नहीं डरते हुए 2024 के चुनाव का क्या होगा? पूर्ण बहुमत में वहां पर गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कहीं से सोचने वाली बात नहीं है। पूरी जनता त्रस्त है, त्राही माम चारों जगह हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ जी? हमारा नंद किशोर राम नाम है। अच्छा नंद किशोर जी, बताइए जी, बोलिए। ये जो जन विश्वास यात्रा जो तेजस्वी यादव लेकर चल रहा है, जी जी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे युवा का नेता है ये उभर कर आए हैं। हमारे युवा नेता सभी, हमारे युवा सब लोग हैं, इनको मान रहे हैं और आगे बढ़ाए गए सब। क्या 2024 के चुनाव में क्या होगा? क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सीट लगकर आएंगे। इस सभा के अंदर जो जन विश्वास यात्रा का सभा था, इसमें जितने लोग आए हुए थे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन जो लोग लौट रहे थे उनसे हम लोगों ने कुछ प्रतिक्रिया जाना, लेकिन अधिकतर लोगों का कहना है कि यह युवा तेजस्वी यादव है और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, इसलिए इनके विश्वास यात्रा से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और आगामी 2024 के चुनाव में बिहार में अच्छी सफलता महागठबंधन को मिलेगी। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।